आईक्यू 9SE का कैमरा टेस्ट आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। और अगर आप मेरे साथ आज के इस वीडियो में जुड़े हो तो इसका मतलब आप प्लानिंग कर रहे हो आईक्यू 9SE को परचेज करने की, एंड आप देखना चाहते हो कि किस तरीके की परफॉर्मेंस आपको आईक्यू 9SE की कैमरे से देखने को मिलती है। सो मेरे साथ जुड़े रहिए वीडियो के एंड तक, एंड आपको सब कुछ पता चल जाएगा आईक्यू 9SE के कैमरा को लेकर कि आखिरकार किस तरीके की फोटोज़ ये कैप्चर करता है, बिकॉज मैंने काफ़ी सारी फोटोज़ कैप्चर की हैं आईक्यू 9SE के कैमरा से। और इसी के साथ ही हो सकता है कि ये वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाए तो मैं इसको दो पार्ट में अपलोड करूँ, तो इस पार्ट में आपको फोटोज़ देखने को मिल सकती हैं एंड दूसरे पार्ट में आपको वीडियो सैम्पल्स देखने को मिल सकते हैं। और अगर वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होता है तो आपको सभी कुछ इसी वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो इसी के साथ ही मैं वीडियो की शुरुआत करता हूं, और ये उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अब आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से शुरू करता हूं। मैं हूं आनंद सिंह, आप देख रहे हो टेक्निकल लाइफ, चलिए शुरू करें। तो हम लोग वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं डे लाइट शॉट से, एंड यहाँ पे आप अपने सामने कुछ डे लाइट इमेजेस देख सकते हो। एंड मैं आईक्यू 9SE के डे लाइट शॉट के लिए और इसकी डे लाइट परफॉर्मेंस के लिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको डे लाइट में देखने को मिल जाएगी। आप सभी शॉट्स अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो और काफ़ी अच्छी डायनेमिक रेंज जो है वो भी आपको देखने को मिलते हैं। जो इसके HDR शॉट हैं जो आगे आपको वीडियो में देखने को मिल जाएंगे वो भी काफ़ी अच्छे निकल के आते हैं। एंड इसी के साथ ही मैं आपको डिटेल के लिए जो इमेज है उसको 100% जूम करके भी दिखा देता हूँ कि आखिरकार किस तरीके की डिटेल्स आपको देखने को मिलती हैं। एंड यहाँ पे आप सभी सैंपल्स भी देख पाओगे कि यहाँ पे मेन सेंसर से कैसी इमेज निकल के आती है, एंड यहाँ पे जूम करके कैसी इमेज आती है, एंड अल्ट्रा वाइल्ड लेंस जो आईक्यू 9SE का है वो किस तरीके का परफॉर्म करता है। ये सभी सैंपल्स आप डे लाइट में अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, और डे लाइट की जो यहाँ पे फोटोज निकल के आती हैं वो काफ़ी अच्छी तरीके से वेल एक्सपोज निकल के आती हैं। अगर आप किसी डार्क एरिया पे ध्यान दोगे तो वहाँ पे भी आप देख पा रहे हो कि काफ़ी अच्छी तरीके से आईक्यू 9SE ने एक्सपोज किया है उस एरिया को, एंड जो जहाँ पे ज़्यादा लाइट है वहाँ पे भी काफ़ी अच्छे से इसने लाइट कंट्रोल किया है। एंड बात कर लेते हैं कलर्स के बारे में, तो कलर्स इसने क्लोज टू नेचुरल कैप्चर करने की कोशिश की है, आप सभी इमेजेस को देख पा रहे होगे। सो डे लाइट की जो फोटोज़ है उसके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, काफ़ी अच्छी फोटोज़ कैप्चर करता है, डायनेमिक रेंज काफ़ी अच्छी रहती है। आपको मैं जूम इमेजेस भी दिखा रहा हूँ, कलर भी काफ़ी अच्छे इसने क्लोज टू नेचुरल यहाँ पे कैप्चर किए हैं। अगर आप बाद में एडिट करना चाहो तो कर सकते हो अपने हिसाब से, बट जो कलर कैप्चर होते हैं वो काफ़ी अच्छे कैप्चर किए हैं। एंड यहाँ पे जो डिटेल हैं वो भी काफ़ी अच्छी है, यहाँ पे जो इसका वाइड एंगल कैमरा है उसकी जो डिटेल है उसमें जो डिटेल्स निकल के आती हैं वो भी काफ़ी अच्छी हैं। एंड इसके अलावा जो डार्क एरिया को भी इसने काफ़ी अच्छे से एक्सपोज किया है, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा लाइट होने की वजह से जो डार्क एरिया है वो कम्प्लीटली डार्क हो गए हैं, वहाँ पर कुछ दिख ही नहीं रहा है। जो शेडोज़ वाले एरिया होते हैं वहाँ पर भी काफ़ी अच्छे से इसने एक्सपोजर दिया है। एंड बाकी पूरी ओवरऑल जितनी भी इमेजेस मैंने कैप्चर की हैं वो काफ़ी अच्छे से वेल एक्सपोज इमेजेस हैं। एंड इसके बाद अब हम लोग चलते हैं ह्यूमन सब्जेक्ट की तरफ। अगर आप किसी ह्यूमन सब्जेक्ट को कैप्चर करते हो डे लाइट सिनेरियो में तो किस तरीके की इमेज आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे पहली इमेज जो आपके सामने आ रही है आप यहाँ पे देख सकते हो, जो हमारा सब्जेक्ट है उसके बिल्कुल पीछे ही जो हमारा सन है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो जो फोटो है वो भी काफ़ी अच्छे से एक्सपोज है। अगर आप इस सिनेरियो को ध्यान में रखो कि जो हमारा मतलब एकदम हार्श लाइट जो है वो हमारे सब्जेक्ट के जस्ट पीछे है, उसको ध्यान में रखते हुए अगर आप फोटो देखोगे तो काफ़ी अच्छे से एक्सपोज किया गया है। जो बैकग्राउंड में आपको फ्लावर्स देख रहे हैं उनके कलर भी काफ़ी अच्छे से कैप्चर किए हैं, एंड आप आराम से देख सकते हो कि क्या फ्लावर है एंड किस तरीके का इनका पूरा जो टेक्सचर है वो भी आपको बड़े आसानी से दिख रहा है। एंड जो हमारा सन है वो भी आप यहाँ पे अच्छे से नोटिस कर पा रहे होगे, ज़्यादा ब्लोन आउट नहीं किया है, काफ़ी अच्छे से उसको भी एक्सपोज करने की कोशिश की है। एंड वहीं पे हमारे अगर आप सब्जेक्ट पे जूम करोगे तो सब्जेक्ट भी आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा खासा आपको दिख रहा है, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट इसने यहाँ पे निकाल के दिया है। अगर आपके बैकग्राउंड में कोई एकदम हार्श लाइट होती है उसको ध्यान में रखते हुए अगर आप फोटो खींचते हो तो। इसके अलावा और भी कई सारी फोटोज़ हमने यहाँ पे क्लिक की हैं ह्यूमन सब्जेक्ट की, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो
किस तरीके का रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। जो यहाँ पे स्किन टोन इसने कैप्चर की है वो काफ़ी अच्छी है, बट थोड़ा सा इसने स्किन टोन को वार्म कर दिया है हल्का सा। हो सकता है वो ओवरऑल या सन की लाइट की वजह से या वाइट बैलेंस की वजह से हो, बट यहाँ पे आप देख सकते हो बाकी इसने ओवरऑल स्किन टोन काफ़ी अच्छी मेंटेन करने का ट्राई किया है। एंड यहाँ पे आप पोर्ट्रेट मोड भी देख सकते हो, ह्यूमन सब्जेक्ट पे एक फ़ोटो है बिना पोर्ट्रेट मोड की और एक फ़ोटो है पोर्ट्रेट मोड के साथ, तो किस तरीके का रिजल्ट आपको देखने को मिलता है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इंडोर लाइटिंग कंडीशन के सिनेरियो पे। एंड यहाँ पे जो आप इमेजेस देख रहे हो ये सब मैंने इंडोर लाइटिंग में या कह लो आर्टिफिशियल लाइटिंग में क्लिक की हुई हैं, और इन इमेजेस में भी आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे से इसने डिटेल कैप्चर की है। फ़ोटोज़ मैं पहले से ही बता रहा हूँ काफ़ी अच्छे और वेल एक्सपोज कैप्चर करता है अभी तक जितना हम लोग ने यहाँ पे टेस्टिंग की हुई है। एंड आप यहाँ पे देख पा रहे होगे सभी इमेजेस आप देख सकते हो, मैं आपको जूम करके भी दिखा रहा हूँ ताकि आपको डिटेलिंग का आपको यहाँ पे अंदाज़ा लग जाए कि कितनी अच्छे से ये डिटेल कैप्चर करता है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा डार्क कंडीशन नहीं थी कुछ कुछ जगह पे, बट वहाँ पे भी इसने जो है यहाँ पे काफ़ी अच्छे से इमेज को यहाँ पे एक्सपोज किया है एंड काफ़ी ज़्यादा लाइट कैप्चर की है, जिससे आप इमेज जो है काफ़ी अच्छे से देख सकते हो कि क्या हो रहा है इमेज में, आखिरकार क्या दिख रहा है, वो सब कुछ अच्छे से वेल एक्सपोज है आर्टिफिशियल लाइट में भी। नेक्स्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अगर आप किसी ह्यूमन सब्जेक्ट की फ़ोटो कैप्चर करते हो आर्टिफिशियल लाइट में तो किस तरीके का रिजल्ट आपको आईक्यू 9SE से देखने को मिलेगा। सो ये है पहली फ़ोटो एंड आप यहाँ पे देख पा रहे होगी किस तरीके का रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। काफ़ी अच्छे से एक्सपोज किया हुआ है, सब कुछ ईजिली विजिबल है, चाहे आप बैकग्राउंड को ले लो और चाहे हमारे ह्यूमन सब्जेक्ट को ले लो यानी कि मुझे ले लो, तो आप देख सकते हो जो स्किन टोन है वो भी काफ़ी यहाँ पे इसने नेचुरल जो है कैप्चर की है, जैसे कि उस टाइम पे दिख रही थी, जैसे आप नॉर्मल आंखों से देखते हो बिल्कुल वैसी ही इसने जो फ़ोटो की कह लो या स्किन टोन जो है वो कैप्चर की है। और नेक्स्ट फ़ोटो आप देख सकते हो ये हम लोग ने पोर्ट्रेट मोड में क्लिक की है, बाकी आप और भी फ़ोटोज़ देख सकते हो। सभी फ़ोटोज़ में इसने जो बैकग्राउंड में जो लाइट है, जैसे इस फोटो में आप देख पा रहे होगे काफ़ी ज़्यादा हार्श लाइट थी मेरे पीछे एंड क्योंकि धूप आ रही थी काफ़ी ज़्यादा शॉप के अंदर। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे से इसने जो बैकग्राउंड की लाइट है उसको एक्सपोज किया है, मेरा फेस भी जो है वो भी काफ़ी अच्छे से एक्सपोज है। एंड ये जो फ़ोटो है ये मेरे ख्याल से पोर्ट्रेट मोड में क्लिक की गई है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो पोर्ट्रेट मोड काफ़ी अच्छा है। बालों के पास आप देख सकते हो थोड़ी सी इसने गड़बड़ी की है, बट ठीक है, उसके अलावा अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छे से इसने पोर्ट्रेट मोड को हैंडल किया है, थोड़ी बहुत मिस्टेक आपको देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं नाइट टाइम की फ़ोटोज़ के ऊपर कि आखिरकार रात में ये किस तरीके की फ़ोटोज़ कैप्चर करता है। वैसे मैं एक बात बताना चाहूँगा कि इसके ऑटो मोड में और नाइट मोड में आपको ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलने वाला है, दोनों ही मोड में यहाँ पे फ़ोटोज़ जो है वो काफ़ी अच्छे से एक्सपोज आती हैं। एंड ऑटो मोड में ही ऐसा लगता है कि नाइट मोड ओपन हो रखा है, डिटेल भी काफ़ी अच्छी रहती हैं। एंड नाइट मोड ओपन करके अगर आप फ़ोटो लेते हो तो आप देख सकते हो साइड बाय साइड कंपैरिजन आपको दिख रहा है, फ़ोटो थोड़ी और ब्राइट
लाइट हो जाती है। एंड यहाँ पे मैं अगर आपको नॉइज़ रिडक्शन की बात करूँ तो इतना ज़्यादा फ़र्क आपको देखने को नहीं मिलेगा, ज़्यादा नॉइज़ रिडक्शन नहीं करता है नाइट मोड में। नॉइज़ मुझे दोनों ही ऑटो मोड में और नाइट मोड में ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिला, मुझे लगभग सिमिलर ही नॉइज़ दोनों ही मोड में देखने को मिली है। बट हाँ, फ़ोटो थोड़ी सी ज़्यादा ब्राइट कैप्चर करता है नाइट मोड में। एंड ऑटो मोड में भी अगर आप क्लिक करोगे तो पहली नज़र में बता पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है कि ये नाइट मोड में क्लिक की गई है कि नहीं। बाकी वैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होगे फ़ोटोज़ काफ़ी अच्छी क्लिक करता है। मैं नाइट में ये कहूँगा कि आपको ये कंप्लेन नहीं रहने वाली है कि काफ़ी ज़्यादा डार्क फ़ोटो आ रही है, पता नहीं चल रहा है। सो फ़ोटोज़ काफ़ी अच्छी क्लिक करते हैं। बस यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जो मैं कहता अगर मैं कहूँ सो कि ये अगर थोड़ा नॉइज़ कम हो जाता फ़ोटो में तो ज़्यादा अच्छा रहता। नॉइज़ रहता है, आपको देखने को मिल जाएगा अगर आप फ़ोटो को ज़ूम करोगे, बट अगर आप बिना ज़ूम करे देखना चाहोगे, बिना ज़ूम करे आराम से देख सकते हो, कोई भी नॉइज़ की प्रॉब्लम नहीं है। बट नॉइज़ होती है अगर आप ज़ूम करके फ़ोटो देखते हो। डिटेल्स काफ़ी अच्छी रहती हैं बट डिटेल्स के साथ नॉइज़ भी आती है, जैसा कि मैं आपको बता दूँ। बाकी नाइट मोड और ऑटो मोड में ज़्यादा अंतर है नहीं। नेक्स्ट मैं आपको इमेजेस यहाँ पे दिखाता हूँ कि अगर आप रात में किसी ह्यूमन सब्जेक्ट की फ़ोटो कैप्चर करते हो तो किस तरीके की इमेज आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले आप यहाँ पे जो इमेजेस देख पा रहे हो, सबसे पहली इमेज जो है आप साइड बाय साइड देख पा रहे होगे। सो पहली इमेज जस्ट मैंने ऑटो मोड पे क्लिक की थी एंड उसके साइड में जो इमेज आपको देखने को मिल रही है वो मैंने नाइट मोड में क्लिक की है, मतलब नाइट मोड ऑन करके क्लिक की है। तो ऑटो इमेज में, मतलब जो मैंने ऑटो मोड में क्लिक की थी, जस्ट फ़ोन निकाल के तुरंत कैमरा से अगर आप क्लिक करते हो तो कुछ इस तरीके की इमेज आपको देखने को मिलेगी नाइट सिनेरियो में। सो पहली बात, इमेज वेल एक्सपोज है ऑटो मोड में भी, ठीक है। मैं इस बात की तारीफ करूंगा कि भाई ऑटो मोड में भी इसने इमेज को है जो कम्प्लीटली वेल एक्सपोज कैप्चर किया है। इमेज आगे से लेके पीछे तक कम्प्लीटली एक्सपोज है, आप पता लगा पा रहे हो किस तरीके का माहौल है, कौन खड़ा है, आखिरकार क्या चल रहा है इमेज में, तो ये आपको कम्प्लीटली पता चल रहा है। बट यहाँ पे ऑटो मोड की इमेज में कमी क्या है, नॉइज़ बहुत ज़्यादा है, डिटेल्स बिल्कुल भी नहीं है। तो ये कमी आपको ऑटो मोड में देखने को मिलेगी। एंड वहीं पे अगर आप नाइट मोड ऑन करके फ़ोटो क्लिक करते हो तो पहली बात तो भाई वही है कि इमेज कम्प्लीटली और भी ज़्यादा एक्सपोज हो जाती है। आप थोड़ा अच्छे से पता लगा पा रहे होगी कि भाई पीछे जो झाड़ियाँ हैं उसमें कितनी पत्तियाँ हैं, लगभग कुछ इतनी, एक तरीके से एग्जाम्पल, नॉट सीरियसली मत ले लेना। तो इमेज काफ़ी अच्छे से एक्सपोज हो जाती है, कलर्स काफ़ी अच्छे निकल के आते हैं एंड जो हमारा सब्जेक्ट है वो आप देख पा रहे होगे काफ़ी और भी ज़्यादा अच्छे से एक्सपोज हो गया है। बट यहाँ पे भी जो कमी है, नॉइज़ कम हुई है, डिटेल्स बढ़ी हैं बट उतनी ज़्यादा भी नहीं बढ़ी है जितना आप एक्सपेक्ट करोगे, ठीक है। तो डिटेल्स यहाँ भी कम है, नॉइज़ यहाँ भी ज़्यादा है, बट ऑटो मोड के हिसाब से काफ़ी अच्छी फ़ोटो आपको देखने को मिली है नाइट मोड में एंड आप यहाँ पे देख ही पा रहे होगे। बाकी लास्ट फ़ोटो आप देख सकते हो, मैंने पोर्ट्रेट मोड में यहाँ पे क्लिक की है एंड आप देख सकते हो किस तरीके का पोर्ट्रेट मोड आपको देखने को मिलता है। एज डिटेक्शन काफ़ी अच्छा है, नॉइज़ है इसमें भी बट उतनी ज़्यादा नहीं है, आप इतना ज़्यादा जूम कोई भी नहीं करता है फ़ोटो को, नॉइज़ है लेकिन उतनी ज़्यादा भी नहीं है। डिटेल्स काफ़ी ठीक ठाक इसने कैप्चर की हैं। नेक्स्ट मैं आपको इसकी फ्रंट कैमरा की परफॉर्मेंस दिखा देता हूँ कि किस तरीके की फ़ोटोज़ इसके फ्रंट कैमरा से आई हैं। तो सबसे पहली इमेज देख सकते हो, इसमें मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हूँ, मैं आपको बताऊँगा क्या सीन है। इसके फ्रंट कैमरा में इसका जो बैकग्राउंड का लाइट कंट्रोल है वो मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, हो सकता है ये इसी सिनेरियो में हुआ हो। बट इस फोटो को अगर आप देखोगे, मैं तो काफ़ी अच्छे से दिख रहा हूँ बट आप ऊपर देख सकते हो जो पीछे लाइट है वो कम्प्लीटली ब्लोन आउट हो चुकी है, कम्प्लीटली वाइट है, पीछे जो बैकग्राउंड है नहीं पता चल रहा भाई साहब मैं कहाँ बैठा हूँ। सो ये मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगा। बाकी डिटेल अगर मैं आपको बताऊँ, डिटेल्स काफ़ी अच्छी कैप्चर की हैं इसने मेरे फेस पे, डिटेलिंग में एंड सब्जेक्ट को एक्सपोज करने में कोई कमी नहीं है। बट मुझे जो कमी लगी वो यही लगी कि इसने बैकग्राउंड को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की है बिल्कुल भी। नेक्स्ट इमेज आप यहाँ पे देख पा रहे होगे सेल्फी की, कि काफ़ी अच्छे से इसमें एक्सपोजर कंट्रोल किया गया है इमेज का। जो पीछे बोर्ड लगा हुआ है उसमें भी आप पढ़ पा रहे हो बर्गर सिंह लिखा हुआ है एंड काफ़ी अच्छे से एक्सपोज है। इसमें बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा एक्सपोज है, जो मैं पहली फ़ोटो में कंप्लेंट कर रहा था
सो इसमें काफ़ी अच्छे से एक्सपोज किया है, बट मुझे नहीं पता पहली फ़ोटो में ऐसा क्या हो गया था। एंड यहाँ पे आप देख पा रहे होगे जो डिटेल हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी आपको देखने को मिलती है, तो ये सेल्फी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। नेक्स्ट सेल्फी आप देख सकते हो, ये उससे भी ज़्यादा अच्छी है, कम्प्लीटली एक्सपोज है, जो स्किन टोन है वो भी काफ़ी नेचुरल इसने क्लिक की है। थोड़ी सी इमेज जो है यहाँ पे ये कूल यहाँ पे कैप्चर करता है सेल्फी के उसमें, जिसमें आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जिसका वाइट बैलेंस है वो थोड़ा कूल साइड पे रहता है, ना ज़्यादा वार्म नहीं रहता है या बीच का भी नहीं रहता, थोड़ा कूल साइड रहता है, कुछ लोग को ठीक लगता है, बट आप अगर आपको नहीं पसंद है तो आप करेक्ट कर सकते हो। बाकी इमेज में डिटेल काफ़ी अच्छी है, इमेज एक्सपोज काफ़ी अच्छी तरीके से की गई है, ओवरऑल काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मुझे इस इमेज में देखने को मिली है iQOO 9SE की। और भी आप सेल्फीज़ देख पा रहे होगी जो मैंने नाइट टाइम पे यहाँ पे शूट की हैं, डिटेल्स काफ़ी अच्छी हैं, थोड़ा फेस इसमें स्मूथ कर देता है जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। बाकी आगे पीछे इमेज जो है वो काफ़ी अच्छे से यहाँ पे वेल एक्सपोज है, आपको पता चल रहा है पीछे क्या है, आगे मेरे सब्जेक्ट पे जो डिटेल्स हैं वो भी हैं, बट इमेज थोड़ी सॉफ्ट यहाँ पे हो गई है। बाकी नेक्स्ट सेल्फी में आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि मेरे पीछे से लाइट आ रही है, तो मेरा फेस भी अच्छे से एक्सपोज है एंड पीछे का जो बैकग्राउंड है वो भी काफ़ी अच्छे से एक्सपोज किया है, बट इसमें जो कमी मुझे यहाँ पे लगी, इसने मेरा फेस जो है बहुत ही ज़्यादा स्मूथ कर दिया है। नेक्स्ट सेल्फी आप देखोगे तो यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही जो आपको पहली सेल्फी में देखने को मिल रही थी, कि इसने बैकग्राउंड की जो लाइट है उसको कंट्रोल करने की कोशिश ही नहीं की है। बाकी सब्जेक्ट में जो डिटेल्स हैं वो भी ठीक ठाक आपको देखने को मिल जाएंगी, सब्जेक्ट वेल एक्सपोज है, बट जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी ज़्यादा ब्लोन आउट हो रहा है एंड काफ़ी वाइट सा है। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हो, ये पोर्ट्रेट सेल्फी है, जो पोर्ट्रेट मोड है वो काफ़ी अच्छा है एंड यहाँ पे एज डिटेक्शन भी आपको देख पा रहे हो कि काफ़ी अच्छे से इसने एज डिटेक्ट किए हैं, बैकग्राउंड भी काफ़ी अच्छे से यहाँ पे एक्सपोज है, जो सब्जेक्ट है वो भी काफ़ी अच्छे से एक्सपोज है, तो पोर्ट्रेट सेल्फीज काफ़ी अच्छी कैप्चर करता है ये। नेक्स्ट आप यहाँ पे कुछ मैक्रो इमेजेस देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे 10 रुपीज़ का नोट था उसकी कुछ इमेजेस मैंने यहाँ कैप्चर की हैं, तो मैक्रो परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। सो अभी तक आपने देखे हैं सभी फोटो सैंपल की किस तरीके की फोटोज आप कैप्चर कर सकते हो iQOO 9SE से, डे लाइट सिनेरियो में, इंडोर लाइटिंग में और रात के टाइम पे, मतलब सभी कुछ मैंने कवर कर लिया है फोटोज को लेकर। एंड नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे वीडियो सैंपल की किस तरीके की वीडियो क्वालिटी या किस तरीके के वीडियोज रिकॉर्ड करता है iQOO 9SE, तो वो वीडियो भी मेरे चैनल पे अपलोड हो चुका है, आप जाके देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में देखने को मिल जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, जिसमें मैंने आपको दिखाया iQOO 9SE का कैमरा टेस्ट और जितने भी फोटो सैंपल्स मैंने क्लिक किए थे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज सपोर्ट की आपकी बहुत जरूरत है, तो प्लीज आप सब अपना सपोर्ट मेरे साथ इसी तरह बनाए रखिए एंड कंप्लीट करा दीजिए हमारे 10,000 सब्सक्राइबर, बिकॉज सिर्फ 1,000 सब्सक्राइबर ही बाकी है, 9,000 हो गए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, प्लीज जल्दी से 10,000 करा दो एंड फिर 1,00,000 एंड इसी तरीके से ऑन हमारी ये जर्नी चलती रहेगी। इस जर्नी में मेरे साथ जरूर जुड़े रहिएगा एंड आप लोगों को कमाल कमाल का कंटेंट देखने को मिलने वाला है। अब मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।